आज बनाने जा रहे हैं आपके लिए भुना चिकन। ओके, भुना चिकन के लिए आपको कुछ सामान चाहिए, वो आपके लिए यहाँ पे सब कुछ रखा हुआ मैंने। हाँ, अब ये मेरे पास में कुछ सामग्री पड़ी हुई है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे को चाहिए एक बड़ा पॉट, मीडियम साइज पॉट सॉरी, एक अपने लिए बना रहा हूँ, मैं दो पोर्शन बनाऊंगा। ये मेरे पास चिकन रखा हुआ है, डाइस किया हुआ चिकन थाई यूज कर रहे हैं गाइस, बोनलेस। अगर आपको जानना है कि चिकन बोनलेस कैसे करना है तो आप हमारी बिरयानी की रेसिपी में जाइए, वहां पे हमने आपके लिए बिरयानी भी बनाई है। प्लस आपको चिकन डिबोन करना है कैसे, वो भी थाई का पार्ट चिकन का, वो आपको बताया है, तो वहां पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं गाइस, अगर आपको वो सीखना है तो। ये मेरे पास मेरी ऑल टाइम फेवरेट, या फिर जो मैंने आपको बताया था कि हमने जो बनाई थी रेसिपी अनियन टमाटो वाली, वो ये मेरे पास पड़ी हुई है, थोड़ा सा ये यूज करेंगे। आज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसको यूज करते हुए ऑल पर्पस हमारी जो अनियन टमाटो ग्रेवी है या मसाला है उसको यूज करते हुए आप कैसी कैसी वैरायटीज बना सकते हैं, वो आज बात करेंगे। तो उसी से आज मैं ये बनाने वाला हूँ भुना चिकन अपना, ठीक है। उसके लिए मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा और सामान रखा हुआ है। देखिए दोस्तों, मेरे पास अराउंड दो मेरे पास रेड चिलीज है होल, अराउंड मेरे पास हाफ टी स्पून जीरा है होल, अराउंड हाफ टी स्पून मेरे पास में देगी मिर्च पाउडर है, अराउंड 1 होल टीस्पून अच्छा अमाउंट मेरे पास धनिया पाउडर है गाइस, और 1 हाफ टी स्पून मेरे पास ये टर्मरिक है। ओके, ये मेरे पास रखा हुआ है थोड़ा सा टमाटो पेस्ट, ये जो हम बना रहे हैं भुना चिकन उसको थोड़ा सा थिकनेस देने के लिए और हल्का सा कलर देने के लिए गाइस ये काम आएगा, और जिंजर गार्लिक, थोड़ा सा डोमिनेटिंग जिंजर गार्लिक का फ्लेवर होता है इसके अंदर, तो थोड़ा सा ये डालेंगे। ओके गाइस, ये हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट हो गया, जिंजर गार्लिक पेस्ट था वो, और थोड़ा सा इसमें यूज करेंगे हम अपना ब्लैक पेपर। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं रेसिपी, आपको ले चलते हैं स्टोव की तरफ, वहां पे करते हैं सारी कुकिंग स्टार्ट। सी यू देयर। ये दोस्तों स्टार्ट करेंगे, मैंने स्टोव अपना ऑन कर दिया है, स्टोव गर्म है, पैन मेरा ये रहा, पॉट मेरा मीडियम साइज, इसमें मैं खाली 1 टीस्पून इसमें मैंने जरा सा एकदम देखिए ऑयल डाला है, खाली की मेरा जीरा भुन जाए। लीजिए ये मसाले आ गए मेरे पास, मैं इसमें पहले डाल रहा हूं जीरा, खाली जीरे को भूनने के लिए। ये देखिए बिल्कुल कम ऑयल है, इसमें डाल रहा हूं मैं मिर्ची अपनी, पाउडर मसाला बाद में डालेंगे गाइस, क्योंकि हमारे मसाले में जो ओटीएम है हमारा या फिर अनियन टमाटो जो सौते करे हुए उसमें भी ऑयल है हल्का सा, तो इसमें बिल्कुल कम ऑयल डाला है हमने। आप थोड़ा जैसे वो ओटीएम डालते हैं अपना जो ऑलरेडी रेडी है। ये लीजिए गाइस, क्यूमिन हमारा भुन चुका है, मैं इसमें अब ये लीजिए गाइस, मैंने इसके अंदर 8 टेबलस्पून अपना ओटीएम डाल दिया है, ये मसाले हमारे पास आ गए। जैसे ही हमने ये डाला ये थोड़ा पकना शुरू हो गया है, इसके अंदर मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दूंगा, थोड़ा सा डोमिनेटिंग रखना है जिंजर गार्लिक पेस्ट हमने। ये लीजिए दोस्तों जिंजर गार्लिक मैंने इसके अंदर डाल दिया, ये हमारा ब्लैक पेपर, ठीक है, चार पेपरकॉर्न, ये मैं इसके ऊपर डाल रहा हूँ, ले लीजिए अराउंड 1/4 टीस्पून पैचुला या वुडन स्पून से इसको हिला लेंगे गाइस। ये लीजिए इसको मैंने मिक्स कर लिया, क्योंकि हमारा जो जिंजर गार्लिक पेस्ट है वो बिल्कुल फाइन हो रखा है, मैं अभी इसके अंदर चिकन डाल दूंगा ताकि चिकन में वो अच्छा सा कोट हो जाए, फ्लेवर पूरा अंदर तक चला जाए उसका। ये लीजिए दोस्तों ये हमारा चिकन है, अराउंड ये मेरे पास 300 ग्राम चिकन है हमारा, ये मैं दो दो टाइम के लिए बना रहा हूँ अपने। फुल हीट पे इसको पकाते रहेंगे, सौते करेंगे, अच्छा सा कलर देना है इसको हमने ब्राउन, क्योंकि जैसे कि नाम है इसका भुना चिकन, तो इसको भूनना है अच्छे से हमने। इसको भूनते हुए हमको 5 मिनट हो चुके हैं हाई हीट पे, अब मैं इसके अंदर ये पाउडर मसाले अपने डाल रहा हूँ। देखिए सारे इसके अंदर मसाले मैंने मिक्स कर दिए, जैसे ही आपने इसके अंदर गाइस मसाले मिक्स कर रहे हैं वैसे ही हल्का सा ब्राउनिश सा कलर आ चुका है ऑलरेडी, अब इसको और भूनेंगे हल्का सा। अभी इसमें हमने सॉल्ट नहीं डाला अभी तक, फ्लिट पे पकाते रहेंगे इसको, बीच बीच में स्टर करते रहेंगे इसको, और इसको लगेंगे हमारे को 15 मिनट अराउंड, जब तक पूरा ऑयल अच्छे से ऊपर नहीं आया था। ये लीजिए दोस्तों इसको भूनते हुए मेरे को अराउंड 15 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए
पूरा ब्राउन हो गया है और ग्रेवी ऑलरेडी बन गई है, इसका सब कुछ मैश हो चुका है, थोड़ा सा रह रखा है हल्का हल्का अनियन आपका खड़ा हुआ, बाकी आपका पूरा मैश हो चुका है। ये देखिए अब मैं इसके अंदर दोस्तों ये मेरे पास टोमेटो पेस्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये एक टेबल स्पून और ये दो टेबल स्पून मैंने इसके अंदर टोमेटो पेस्ट डाल दिया है। मैं इसमें नमक डाल रहा हूँ, डोंट वरी गाइस, अगर नीचे हल्का सा लग भी रहा है बिकॉज आपके पास वो ब्राउनिश का कलर आता रहेगा, वो कैरमलाइजेशन होती रहेगी, डोंट वरी। ये लीजिए, देखिए मैंने इसको जैसे ही पेस्ट डाला इसके अंदर, इसका कलर पूरा एकदम डार्क रिच ब्राउन एकदम सा आ गया है। ये लीजिए, ये देखिए नमक टेस्ट कर लेते थोड़ा सा, वेरी नाइस गाइस, नमक बिल्कुल बढ़िया बढ़िया है, मसाले भी बिल्कुल कम है, आहा टेस्ट आ रहा है मसालों का, जिंजर गार्लिक का भी फ्लेवर आ रहा है, ब्लैक पेपर भी आया थोड़ा सा मुंह में। इसको ऐसे ही हम 5 से 7 मिनट तक थोड़ा सा और भूनेंगे हाई हीट पे, उसके बाद हमारा भुना चिकन रेडी है। ये लीजिए दोस्तों 5 मिनट हो चुके हैं, भुना चिकन हमारा रेडी है। ये मेरे पास एक व्हाइट बाउल है, तो मैं इसको डिशअप कर लूंगा प्लेटिंग के लिए, अपने गैस में बंद कर देता हूँ। गाइस अच्छी मस्त भुनी हुई खुशबू आ रही है, वाओ। इसको गार्निश करेंगे थोड़ा सा अभी कोरिएंडर के साथ, दिखाते हैं आपको। लीजिए दोस्तों तो अब प्लेटिंग कर लेते हैं हमारे भुने चिकन की, मैं थोड़ा सा बाउल में निकाल लिया है गाइस, ताकि मेरे को इजी रहे कैरी करने में। ये थोड़ा सा मेरे पे रफ चॉप कोरिएंडर रखा हुआ है दोस्तों, ये मैंने अराउंड द प्लेट डाल दिया है, आज मैं इसको एंजॉय करूंगा प्लेन नान के साथ, थोड़ी सी क्रिस्पी मैंने प्लेन नान अपनी कर रखी है। ये मेरे पास कोरिएंडर स्प्रिंग, ये लीजिए गाइस आपका भुना चिकन प्लेन नान के साथ रेडी है। आई होप यू लाइक दिस। I'm hungry, I'm gonna eat this. See you next time.